जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं राम की अयोध्या यूट्यूब चैनल। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो चैनल है अयोध्या के रिलेटेड सबसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो और सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाता है, ताकि अयोध्या के डेवलपमेंट के साथ आप जुड़ सकें। और आपको हम एक एक करके अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आप अयोध्या के डेवलपमेंट से अपडेटेड रहें और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहें, ताकि इन्फॉर्मेशन आप लोग तक कलेक्ट होती रहे और आप अयोध्या आके उन इन्फॉर्मेशनों का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं अयोध्या किस तरीके से परिवर्तित हो रही है अपने भगवान श्री राम के लिए और आपके आराध्य के लिए। जय श्री राम दोस्तों, अयोध्या में बन रहा है राम परिक्रमा मार्ग, जो कि 14 किलोमीटर लंबा है, जिसका नाम रखा गया है राम पथ। और इसके डेवलपमेंट में आपने हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो देखे होंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। बहुत सारी मकानों को तोड़ा गया और अभी आने वाले समय में मकानों को और भी तोड़ा जाएगा। हम लोग अब लेटेस्ट वीडियो आपको उसका भी दिखाने वाले हैं। अगला हमारा वीडियो जो होगा वो राम पथ अपग्रेडेशन का होगा, पथ का होगा। और अयोध्या में बन रहा है भक्ति पथ, जो कि राम पथ से ही थोड़े दूर पे हट के हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि जाने वाला ये भक्ति पथ है। और बन रहा है अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि तक जाने के लिए जन्मभूमि पथ। और साथ में बनने वाला है सीता कुंड। और बहुत सारी अपग्रेडेशन अयोध्या में हो रही है। अयोध्या में सूर्य कुंड दर्शन नगर में बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुनहरा और घूमने लायक जगह है। उसके रिलेटेड हम लोग एक नया वीडियो आप लोगों को हम जल्द ही इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। और तब तक आगे इस वीडियो में देखते हैं। और आप जा सकते हैं गुप्तार घाट, जहाँ पे मिनी लखनऊ और गुप्त हरि पार्क है, जो कि काफ़ी सुंदर और अद्भुत है। और आप जा सकते हैं अयोध्या के राम की पैड़ी नए घाट से लेकर और गुप्तार घाट तक, जो रिवर फ्रंट बनने वाला है, सरयू रिवर फ्रंट, वो भी घूम सकते हैं। वो भी बहुत ही अनोखा और दिव्य है। चौधरी चरण सिंह पार्क के पास हेलीपैड भी बना हुआ है। और अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से जब आप बाईपास की तरफ आएंगे तो अयोध्या फूड हब बना हुआ है, जो कि अयोध्या की स्ट्रीट फूड का एक अलग ही आनंद और अनुभव का मज़ा दिलाता है। आप उस फूड हब में जाकर एंजॉय कर सकते हैं और वो एकदम रोड पे ही दिखता है। और अयोध्या में जब आप एंटर करेंगे बाईपास रास्ते से, तब आप सीधे आएंगे लता मंगेशकर चौक, जो कि बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे हमेशा लता जी के गाने बजते रहते हैं, जो कि आपको वीडियो में हर एक क्लिप दिखाई दे रहा होगा। आप यदि अयोध्या के हैं तो आप देख के बहुत ही खुश होंगे कि कैसी अपग्रेडेशन अयोध्या में हो रही है, और आपको पता भी होगा। परंतु आने वाले श्रद्धालु, आने वाले टूरिस्ट, आने वाले इन यात्रियों के लिए ये सुविधाजनक वीडियो हो जाएगी, ताकि वो लोग अयोध्या आएँ और इन अयोध्या के बारे में जान सके, घूम सके, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अयोध्या में आप जब भी अयोध्या आएँ तो यहाँ पे रुकने के लिए, ठहरने के लिए धर्मशालाएँ और होटल भी हैं, जो कि आप लोगों के लिए आरामदायक सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। यहाँ खाने के लिए भोजनालय और रेस्टोरेंट भी हैं। और यहाँ कनक भवन है, दशरथ महल है, हनुमानगढ़ी है और अनेक ऐसे धार्मिक जगह हैं जहाँ पे आप घूम के अपने टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं और भगवान श्री राम के इस अयोध्या नगरी में घूम सकते हैं। और यहाँ पे सुविधाओं के लिए बहुत सारी अपग्रेडेशन की जा रही हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो चुका है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 80% टर्मिनल का काम पूरा हो चुका है। रनवे का काम थोड़ा बहुत बाकी है, जो कि हो रहा है। जल्द ही 2024 तक जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का भी काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या में बन रहा है नेशनल क्लास का रेलवे स्टेशन, जो कि बन के तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 2024 में ही होने वाला है। उसका वीडियो भी हम लोग स्पेसिफिक आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे जल्द ही।
और भी अयोध्या में बहुत सारी अपग्रेडेशन हो रही हैं और अयोध्या के आसपास के इलाकों में भी अपग्रेडेशन हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अयोध्या में जो नेशनल हाईवे आता है वो गोरखपुर टू लखनऊ नेशनल हाईवे है, जिसका सुंदरीकरण कराने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट लेके आया है, जो कि 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने वाले हैं। गोरखपुर टू लखनऊ जाने के लिए जो नेशनल हाईवे है उसको 6 लेन बना दिया जाएगा, ताकि अयोध्या में आने वाले किसी भी प्रकार के वाहनों के लिए कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अयोध्या अपने आराध्य के लिए तैयार हो रहा है और अयोध्या आप लोगों को अपने वहाँ बुलाने के लिए भी तैयार हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश परिवहन और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सहयोग है। केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया करवाई हैं। हर एक प्रकार की सुविधाजनक परियोजनाएं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ही लाई जाती हैं। अयोध्या में जगह जगह जो है कि सुलभ शौचालय और ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएँ बनाई गई हैं, ताकि आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अयोध्या में दिन और रात ड्यूटी करने के लिए PSC के जवान भारत सरकार ने यहाँ पे डिपोर्ट कर रखा है और यहाँ पे लगा रखा है, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो अयोध्या में। अयोध्या सबसे सुरक्षित जगह बन रहा है धीरे धीरे, ताकि आने वाले लोग अयोध्या में आए तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और अयोध्या में अब वर्ल्ड क्लास का दीपोत्सव होता है, जहाँ पे दुनिया के कई देशों से लोग आते हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाया जाता है। लगातार 2017 से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है अयोध्या में दीपोत्सव का। और जिस अयोध्या में साल में 10 लाख लोग आते थे, आज के समय पे दीपोत्सव जैसा ही एक नॉर्मल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के इस अयोध्या में एक दिन में 10 लाख से अधिक लोगों को इकट्ठा कर लेता है। और पिछली बार 7 लाख दीयों का जो है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, और इस बार उससे भी आगे हट के गवर्नमेंट काम करेगी। और आने वाले दीप उत्सव में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जैसे कि पिछले दीप उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। और अयोध्या के ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में जय श्री राम लिखिए, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़े और आप लोग तक ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो पहुंचाएं। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस अयोध्या के लोगों तक पहुँचें और लोग अयोध्या आने के लिए प्रेरित हों, ताकि अपने आराध्य को देख सकें, अपने आराध्य का दर्शन कर सकें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए।